गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आपने देखा ही होगा मेरा लास्ट व्लॉग आया था आई थिंक 2 महीने हो गए और मैं आज वापस बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी था, कुछ नया सेटअप चल रहा था मेरा, तो वो ऑलमोस्ट हो चुका है अभी। एंड अब मेरे को लगा कि जब फ्री हो चुका हूँ तो क्यों ना व्लॉगिंग की जाए और वापस स्टार्ट करा जाए अपना। और मैं जिम से आ चुका हूँ, वर्कआउट कर चुका हूँ, तो पता ही चल रहा होगा आउटफिट से कि वर्कआउट करके आया हूँ। तो अब जा रहा हूँ घर, फिर जाएंगे ऑफिस। तो रेडी हो के मैं जा रहा हूँ ऑफिस, रेडी हो चुका हूँ, कार में बैठा हूँ अपनी। पहले मुझे जाना है बैंक एक बार, वहाँ पे एक काम है मुझे, चेक डिपॉजिट करना है, फिर मैं जाऊँगा ऑफिस। तो लेट्स गो। तो बैंक तो आ गए और हवा बहुत तेज़ चल रही है, पूरे बाल खराब हो गए। मेरे को तो लग रहा है भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, लोग ही लोग खड़े हैं, देखो कितनी भीड़ है। तो चेक तो कर दिया डिपॉजिट, मेरे को लगा टाइम लगेगा पर 5 मिनट में ही हो गया। एक बंदा था वो जानता था तो करवा दिया उसने। ये मेरे पापा की फैक्ट्री है सबसे पहला जो है, और अब जा रहा हूँ मैं अपनी वाली। तो आप ऑफिस आ गए, मुझे बहुत देर हो गई, कुछ काम कर रहा था और अब 2 बजने वाले हैं। लंच भी मैंने कर लिया है और मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या बता रहा था आपको, काम से रिलेटेड जो बता रहा था ना, मैं नहीं कर पा रहा था ब्लॉग जिसकी वजह से, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है वो। सी ये है प्राइवेसी पॉलिसी, ये ले रहा हूँ मैं अभी। टर्म्स एंड कंडीशन लिए हैं और अभी 2-4 चीज़ें और हैं जो मेरे को लेनी है। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये सब होती है वेबसाइट के लिए। जिनको पता होगा तो समझ ही गए होंगे कि वेबसाइट से रिलेटेड है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। 2-4 चीज़ें और होती हैं, 2-3 पॉलिसीज़ और होती हैं जो मेरे को भी लेके और डालनी है अपनी साइट पर, कुछ थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि अगर आपको कोई ऐसी कंप्लेंट है कि आप फंस जाओ इसमें, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप दिखा सकते हो कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो कंप्लेंट आपके पास आई है वो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी रहेगी, आप वो दिखा सकते हो कस्टमर को कि मैंने ऑलरेडी ये सर मेंशन किया था, तो ये हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है कि आपको कभी कभी ऐसे कस्टमर्स मिल जाते हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, आप उनको नहीं समझा पाते, तो एंड में आपको यही सब दिखाना पड़ता है कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया था, वो आपने पढ़ा नहीं तो उसके वो अलग बात है, बट हम ऑलरेडी वो सब बता चुके हैं। जो मैं इस पर डालने वाला हूँ प्रोडक्ट, वो आई थिंक जो मेरे बहुत क्लोज है उनको तो पता ही है, वो 2-4 लोग हैं ऐसे जिनको पता है, फैमिली को छोड़ के जिनको पता है, और अभी वो देख के हंस रहे होंगे। एंड आई होप फॉर द बेस्ट के ये चले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार कुछ अपना नया सेटअप शुरू करो ना, तो आस्क मी, जेन्युइनली बहुत टाइम लगता है और बहुत भागना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करी है। आई होप आप सबको पसंद आए जब आप कभी खरीदो अगर मन हो। और मज़े की बात तो ये है कि मैंने आज तक जहाँ से भी कुछ भी लिया है जिस भी साइट पर जाकर, आज तक खुद मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ी है किसी की पॉलिसी के बारे में, और अब मेरे को हर एक चीज़ पढ़नी पड़ रही है, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, और 15-15, 20-20 पेज की पॉलिसीज है यहाँ पर, पता है। तो अब समझ आ रहा है कि कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, सबके लिए तो टीम होती है, मैं तो खुद कर रहा हूँ तो पता चल रहा है आई थिंक। बट स्टार्टिंग में ना जितना हो सके सब काम खुद करो, अगर आपका नया सेटअप है तभी आप किसी को हायर करोगे तो आपको पता है इसको क्या सिखाना है, राइट। तो अभी देखो पढ़ रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, आज तो पूरा टाइम इसमें जाने वाला है मेरा। तो मैं अभी आया हूँ फैक्ट्री से बाहर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सफाई हो रही है अभी, देखो ये पूरा जो कूड़ा वूड़ा रहता है उसको उठा रहे हैं, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है साइड में, तो मेरे हिसाब से तो उनको टाइम लगेगा, अंदर ही चलते हैं वैसे ना। मेरे को ये था कि ये अभी साफ़ कर देंगे, वापस कार खड़ी कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना धूप वूप पे खड़ी रहती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है यार, फिर बैठो ना तो फिर पता ही है आपको। तो देखो पूरा साफ हो रहा है और ये अपना फिनिशिंग का जितना भी है सब जा रहा है। तो चूँकि शाम 6 बज रहे हैं और मैं अब जाके फ्री हूँ, मैंने सारी पॉलिसीज ले ली हैं, सब लगा दिए हैं, सेव कर दिया है, पब्लिश कर दिया है साइट पर। फिलहाल तो मैं पी रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी, मैं शाम को ना वह कॉफ़ी पीता ही पीता हूँ, नहीं तो मेरे को ना बहुत ड्राउजी फील होने लगता है, और आदत पड़ रखी है बहुत सालों साल होता है, ये नहीं आई थिंक हो गए होंगे मेरे को
7-8 साल से ज़्यादा हो गए कि मेरे को ब्लैक कॉफ़ी की आदत पड़ी। तो काम हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ घर। पूरी गाड़ी गंदी हो रखी है, पता नहीं चल रहा, पर काली है ना। अच्छा बारिश हुई है अब पता चल रहा है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो पूरा सूखा पड़ा है। वैसे मॉनसून आ गए हैं बट लग नहीं रहा, जिस हिसाब से वेदर हो रहा है ना लग नहीं रहा कि स्टार्ट हो चुके हैं। सीट बेल्ट ही नहीं लगती यार। तो आ गए हैं घर और अब मैं चेंज करके पहले तो जाऊंगा नहाने यार, आदत पड़ रखी है ना, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मैं 2 बार तो नहाता ही हूँ, तो अभी तक आदत है वो मेरे को। थोड़ा अच्छा लगता है नहा के, थकान दूर हो जाती है। ये देखो पूल का पानी कितना गंदा हो रहा है, लोग तब भी स्विमिंग कर रहे हैं यार, बारिश की वजह से हो गया होगा ना। तो डिनर तो मैंने बना लिया अपना, बना भी क्या लिया यार, कार्टून होता है बस। दिखाता हूँ मैं क्या खाता हूँ, इसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है, आज थी नहीं, मैं मंगाया था ना तब सामान तो थी नहीं। ये पनीर है और बाकी तो आप सबको दिख ही रहा है, ये खाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है बॉडी बनाना, बहुत गिव अप करना पड़ता है। आपकी फेवरेट चीज़ बनी हो वो नहीं खा सकते आप, पर मैं बीच बीच में खा लेता हूँ कभी कभी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने कल रात को व्लॉग एंड करना भूल गया कि व्लॉग कर रहा हूँ, तो अब भी याद आया मेरे को। अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम, रेडी हो चुका हूँ, देखो अभी बस प्रोटीन डाल रहा था अपना। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।